वास्तव में मुहासा सुंदरता को खराब करने वाली बीमारी है। इसके वजह से लोग डिप्रेस भी होने लगते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मुहासे क्यों होते हैं, क्या कारण है, तो जानते हैं। मुहासे सामान्यतः पित्त और कफ के असंतुलन होने की स्थिति में होता है। जब हमारे शरीर में पित्त व कफ असंतुलित होता है तब मुहासे होते हैं। असंतुलन हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे पाचन क्रिया को प्रभावित करता है और पाचन तंत्र को कमजोर कर देता है, जिसके चलते खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पच पाता है। जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलकर हमारे खून में चले जाते हैं और खून को गंदा कर देते हैं, जिसके वजह से चेहरे के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और त्वचा से निकलने वाले तैलीय पदार्थ रोम छिद्रों में जमा होने लगते हैं। चलते चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं जो हमारी चेहरे को खराब कर देते हैं। मुख्यतः इन्हीं कारणों से चेहरे पर कील तथा मुहासे निकलते हैं।